हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति। वेलकम टू माय चैनल पिंक सिटी गार्डन में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको 3G कटिंग क्या होता है। 3G कटिंग, ये मेरे बैंगन का प्लांट है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने सबकी 3G कटिंग कर रखी है। जैसे देखिए, ये मेरे मिर्ची का प्लांट है, मिर्ची के प्लांट पे मैंने 3G कटिंग कर रखी है। 3G कटिंग का मतलब होता है जो ऊपर की ये वाली स्टेम जो होती है, ये वाली जो स्टेम होती है उसको यहाँ से कट कर देना, ताकि वो ऊपर नहीं जाए और उसके साइड से बहुत सारी ब्रांचेज निकल जाए। जैसे 1, 2, 3 ऐसे ब्रांचेज निकल रही है। और ये देखिए, इस पर छोटी छोटी मिर्चियाँ भी आ रही हैं, और ये तीखी वाली मिर्चियाँ हैं। और भी कई फ्लावरिंग इस पर हो रही है, एक पीछे आ रही है। तो आज मैं बताऊँगी आपको बैंगन के ऊपर कि 3G कटिंग कैसे करते हैं। तो ये बैंगन का प्लांट है, बैंगन के प्लांट को मैंने 2-3 दिन से देखा ही नहीं, और इस पर जो है इस पर ये फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये स्टेम जो जा रही है, ये जो बीच वाली स्टेम होती है, ये ऊपर से ऐसे से जा रही है, इसको हमें हटा देना है। इस पर जो बर्ड्स आई हैं, ये हमें हटा देनी है। काट दें आप इसको, हटा दें। ये मैं फूल अभी पड़े रहने दूंगी, क्योंकि ये साइड में निकला हुआ है। बाकी हम इसको यहाँ से कैंची से करती हूँ। ये स्टेम को हमें ऊपर नहीं जाने देना। एक हाथ में कैमरा है तो पकड़ना ही मुश्किल हो रहा है। ये लो, एक मिनट यार, हाथ से ही करना पड़ेगा ये तो। ये लीजिए, ये मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। अब जो इसकी जो ग्रोथ होगी, ये भी मैं हटा देती हूँ। अब जो इसकी ग्रोथ होगी वो ऐसे होगी, ये साइड से इसकी पत्तियाँ निकलेंगी, टहनियाँ जो निकलेंगी, या फिर पत्ते ऐसे निकलेंगे। अब ये ऊपर नहीं जाएंगे। उससे क्या होगा, जो फर्स्ट थ्री जी का मतलब होता है 3rd जनरेशन। तो ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, और ये हमारे सेकंड जनरेशन है, और 3rd जनरेशन जो अब आएगी, जो हम कट करने के बाद आएगी। तो 1st जनरेशन पे जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती है वो कम होती है, और सारे फ्लावर जो हैं, जो सारे फ्लावर्स हैं वो फ्रूटिंग में चेंज हो जाएं, ये भी पॉसिबल इतना नहीं होता, इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते। जो सेकंड पे होते हैं वो उसके चांसेस 50-60% हो जाते हैं, लेकिन जो थर्ड आता है, थर्ड होता है उसके फिर क्या है, जो फ्लावर्स होते हैं वो सारे उसमें होते हैं, मादा में जो होते हैं, नर मादा जो होते हैं उसमें होते हैं। तो उसके जो 3rd जनरेशन की जो फ्लावरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और आपके फ्रूटिंग में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, वो फ्लावर गिरते भी नहीं हैं, सक्सेस ज़्यादा मिलती है। इसलिए 3G कटिंग की जाती है, ढेरों सारे फूल और फल पाने के लिए, सिंपल भाषा में बोला जाए तो। और इसकी भी देखिए, ये भी है, ये भी मैंने बोल तो रही हूँ, मैं इनको संभाला ही नहीं, ये हटा देने। ये सब हटा दीजिए। इनफैक्ट कहते ये भी हटा दो, सेकंड भी हटा दो, सेकंड भी आप हटाना चाहते हैं तो सेकंड भी हटा दीजिए। फिर देखिए इसकी फ्लावरिंग कितनी अच्छी होगी। इसके साथ साथ लगे हाथ में टमाटर की भी वो कर देती हूँ। ये देखिए, इसका ऊपर का जा रहा है जो ये मेन, इसको हटा देते हैं। और ये इसके तो पत्ते ही ख़राब हो रहे हैं, इसमें तो ये जो होता है अटैक, ये कर लिया, इसको हटा दीजिए, और अपने गार्डन में भी मत डालिए इसको। जो भी ऐसे पत्ते दिखते हैं उनको हटाते जाइए। तो ये थी हमारी 3G कटिंग, होप आपको समझ आ गई होगी। और इसी तरह से आप जो बेल वाले प्लांट होते हैं इन पे भी, ये भी देखिए, ये भी बैंगन का है, इसको भी हम हटा देंगे, इसको भी हम हटा देंगे।
तो बेल वाले जो भी प्लांट होते हैं, हाँ आप मिर्ची इस पे लौकी पे कर सकते हैं, भिंडी पे कर सकते हैं, टिंडे पे कर सकते हैं, तोरई पे कर सकते हैं, और बैंगन पे कर सकते हैं, टमाटर पे कर सकते हैं, मिर्ची पे कर सकते हैं, फ्लावर रोज़ पे कर सकते हैं, आप किसी भी प्लांट पे कर सकते हैं 3G कटिंग। और मिर्ची अगर आपको बहुत सारी चाहिए तो 3G कटिंग ज़रूर कीजिए। तो 3G कटिंग का यही फ़ायदा होता है, आप एक बार तो ये सोचेंगे कि नई नई फ्लावरिंग आ रही है यार, फ्रूट्स आ जाएंगे, लेकिन वो फ्रूट्स आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमें उसको फर्स्ट जनरेशन को और जो है फर्स्ट सेकंड जनरेशन को जो है हमें सेक्रीफाइस करना होता है। तो हमने फर्स्ट भी कर दी, कई सेकंड भी कर दिए, देखिए सेकंड है ये जो आ रही है ना, सेकंड भी कर दी। तो अब जो थर्ड जनरेशन आएगी उसके में फ्रूटिंग देखना। ओके फ्रेंड्स, आपको 3G कटिंग समझ आ गई होगी, बहुत 3G 3G सुनते हैं ना, मैं भी पहले सुनती थी, मैंने भी पहले एक्सपीरियंस लिया फिर आपको बताया। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियोस देख लेते हैं, उसको लाइक भी नहीं करते, आप उसको सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो प्लीज़, मैंने भी चैनल बनाया है, वो चलना तो चाहिए ना, तो प्लीज़ प्लीज़ माई सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, थैंक यू।